राजस्थान की कानून व्यवस्था गृह मंत्रालय के बारे में चर्चा कर रही है। सभापति महोदय, 2006 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था प्रकाश सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसमें पुलिस सुधार के लिए कुछ दिशा निर्देश भारत सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए थे। लंबे समय के बावजूद भी जो सुधार दिए गए, जो सुझाव दिए गए थे, उसको पूरी तरीके से अमल में नहीं लाया गया। मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार इस पर गौर फरमाए और उसको लागू करे। उसका महत्वपूर्ण जो दो सुझावों में दो सुझाव दिए थे, एक सिक्योरिटी स्टेट सिक्योरिटी कमीशन का गठन हो, एक पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड का गठन, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट के सारे वेतन संगति प्रमोशन से रिलेटेड या दूसरे जो पुलिस इंटरनल जो पुलिस डिपार्टमेंट के जो ठीक करने के जो सुझाव थे वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दिए गए थे प्रकाश सिंह कमेटी के माध्यम से। उसके साथ साथ जो 1861 का जो ब्रिटिश पुलिस एक्ट था उसमें भी बदलाव करने की बात की गई थी। प्रकाश सिंह के जजमेंट में यह भी कहा था, एक सोली सोराब जी के चेयरमैनशिप में कमेटी बनी थी, जिस कमेटी ने प्रारूपित 2006 एक्ट लागू करने की सिफारिश की गई थी। जो आपस में इंटरनल कनेक्शन थे इंटर स्टेट के पुलिस डिपार्टमेंट के, उस पर भी उन्होंने कुछ डायरेक्शंस दिए थे स्टेट गवर्नमेंट्स को। उस पर फॉलो कितना हुआ कितना नहीं इस बात मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ, जिस तरीके का समाज का जो ढांचा बदल रहा है, जिस तरीके से अपराध का जो तौर तरीका बदल रहा है, सरकार को ज़्यादा मुस्तैदी से इस पर पॉलिसी बनानी पड़ेगी, इस पर नीति पर काम करना पड़ेगा। सभापति महोदय, आए दिन साइबर क्राइम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, हमारे पास कोई कॉन्क्रीट पॉलिसी नहीं है कि किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। आज क्राइम कहीं होता है और पुलिस मोबाइल के माध्यम से या दूसरे जो पुलिस का जो सिस्टम है उसकी तरह अपराध को पता लगाने की कोशिश करती है, उसमें कामयाबी मिलती है, कई बार नहीं मिलती। सरकार इस पर कुछ ना कुछ फैसला करके इसको थोड़ा सा स्पीडली करे। दूसरा, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आज जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ी है, उस हिसाब से पुलिस की नफरी भी कम हमारे पास में, पुलिस की नफरी को बढ़ाया जाना चाहिए। सभापति महोदय, पुलिस के पास में जो संसाधन है वो बहुत पुराने हो चुके हैं और आजकल के अपराधियों के पास में नई तरह की टेक्नोलॉजी है, नई तरह के संसाधन है। हम पुराने संसाधन से उनको नहीं कम्पीट कर पाएंगे। सरकार कोई ना कोई रास्ता निकाल के इस पर भी करे। स्टेट पुलिस जो है वो स्टेट सरकार का सब्जेक्ट है। निश्चित तौर पे स्टेट के पास में बजट भी सीमित होता है, भारत सरकार के बजट की तरह बजट तो है नहीं, फिर भी राजस्थान सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सरकार ने पिछले 4 साल में जो काम किया बेहतरीन काम किया है। हमारा अभय कमांड का जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल कामयाब किया हमने, FIR कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करने का, उस पर भी कामयाबी हमने हासिल करी है। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है, मेरी जो विधानसभा क्षेत्र है वो बॉर्डर का क्षेत्र है, तीनों तरफ पंजाब लगता है, एक तरफ पाकिस्तान लगता है। आए दिन जो ड्रग्स माफिया है वो किस तरीके से पूरे जिले में और जिले के माध्यम से पूरे राजस्थान में फैले हुए हैं, तस्करी बढ़ रही है, हमारे पास में कंट्रोल करने का कोई सिस्टम नहीं है। मैं सरकार से लगातार इस बात की दरख्वास्त कर रहा हूँ कि कोई ना कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करने के लिए जो मादक पदार्थ है उनका रोकने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो आने वाली जो पीढ़ी है वो तबाह हो जाएगी। वो चाहे पंजाब स्टेट गवर्नमेंट से बात करे, चाहे हरियाणा से बात करे, इंटर स्टेट को सिस्टम कनेक्टिविटी का करें ताकि उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करें। सभापति महोदय, उसके साथ साथ हमारा जो पूरा क्षेत्र वो सिंचाई का क्षेत्र है, वहाँ आए पंजाब से जो पानी आता है खेती के लिए, उसकी भी चोरी आए दिन बढ़ती हुई जा रही है। सरकार को चाहिए कि कोई ना कोई पुलिस चौकी एस्टेब्लिश करके जो किसानों का जो पानी है उस पर चोरी नहीं हो, अगर चोरी है तो झगड़े होते हैं। और सरकार के पास में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम खेती के पानी को चोरी को रोक पाए, सरकार कोई ना कोई इस पर प्रयास करे। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, इसके साथ साथ जो विधानसभा क्षेत्र सादुल शहर है उसकी गंगानगर हेडक्वार्टर से 40 किलोमीटर दूरी है, हमारे पास में जेल का कोई प्रावधान नहीं है। कैदियों को तारीख पेशी के लिए, कैदियों को जमा करने के लिए गंगानगर में लेके जाना पड़ता है। तो मैं सरकार से मांग करूंगा कि सादुल शहर में एक उप जिला जेल कारक एस्टेब्लिश करना चाहिए ताकि सरकार का खर्चा भी बचेगा और कैदी सुरक्षित भी रहेंगे और अपराधियों को भी आने ले जाने में जो रिस्क सरकार का होता है वो रिस्क फैक्टर भी सरकार का कब होगा। सभापति महोदय, इसके साथ साथ सादुल शहर से 3 रस्ते हैं पंजाब के, वाया हिंदूमल कोट, वाया साधुवाली, वाया पतली बैरियर, तीनों पे हमारी टेम्परेरी पुलिस चौकी हैं। टेम्परेरी पुलिस चौकी में जितना बंदोबस्त नहीं है जितना कि हमें चाहिए, आए दिन जो अपराध बढ़ रहे हैं जिस तरीके से, उस अपराध को रोकने के लिए सरकार को चाहिए एक पुलिस चौकी एस्टेब्लिशमेंट करे। और मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ बड़ी गंभीरता के साथ में, ये सारा सदन बैठा हुआ है, जिस तरीके से पंजाब के अंदर अजनाड़ा में पुलिस स्टेशन पर जो अटैक किया गया,
जिस तरीके से हालात पंजाब के आए दिन खराब होते जा रहे हैं, यह बहुत गंभीर विषय है कि उसका सीधा सीधा हमारे जिलों पे असर पड़ेगा। इस पे सरकार गंभीरता से विचार करे। जिस दिन स्टेट का पुलिस का एक बाल खत्म हो जाएगा उस दिन सारा सिस्टम मैस कर जाएगा। मैं सरकार से अपील करूंगा उस घटना को, साधारण घटना नहीं है वो, बहुत गंभीर घटना है, उसका इंटरनेशनल रिलेशन है, वो किस तरीके से जो आउट ऑफ कंट्री जिस तरीके के सोर्सेज उनको मदद कर रहे हैं उस पर सरकार, कोई ना कोई बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट है, गंभीरता से सरकार सोचे कि इस तरीके का हालात राजस्थान में पैदा नहीं है। हमने सभापति महोदय वो टेररिज्म का टाइम भी हमने देखा हुआ है, जिस 5 बजे बिल्कुल सारा कुछ ब्लैकआउट हो जाता था, साई की तरह लोग घरों में छुपे रहते थे, पता नहीं किस कोने से गोली आके लगेगी, जीवन बचेगा नहीं बचेगा, ऐसे हालात फिर पैदा होने के चांसेस हो रहे हैं। और इसके साथ साथ जो गैंगवार के बारे सारे सदस्यों ने चिंता करी है गैंगवार के बारे में, वो सारा का सारा आउट ऑफ स्टेट, वहीं से सोर्स आ रहा सारा, उस सोर्स को किस तरीके से आप प्रतिबंध कर सकते हैं, सरकार इस पे गंभीरता से विचार करे, कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करे ताकि हम उस गैंगवार को रोक सके। आए दिन धमकी मिल रही बिजनेसमैन को, आम आदमी घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया, आप आए दिन अखबार में पढ़ते हो भाई आज किसी बिजनेसमैन को धमकी दे दी है, कोई आया अमेरिका से आ रहा है, कोई आया इंग्लैंड से कोई आ रही है, ऐसा कौन सा तंत्र है कि हमारे हम जिस तंत्र के माध्यम से हम अपनी पुलिस को मॉडर्नाइजेशन तरीके से मॉडर्नाइज करें, इन अपराधियों को पकड़े ताकि इस तरीके का वातावरण नहीं बढ़े। सभापति महोदय मैं आपके साथ साथ निवेदन करना चाहूंगा कि आजादी से पहले का मैनुअल जेल मैनुअल एक्ट है, अभी तक वो का वो एक्ट चल रहा है, कोई उस पर बदलाव नहीं है, ना कर्मचारियों की तनख्वाह के बारे में सोचा जा रहा, ना उनके प्रमोशन के बारे में सोचा रहा, ना ही जेल में ऐसे संसाधन उपलब्ध कराए जा सके कि मानवीय जीवन को हम जी सके। जिस तरीके से जेल में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो गई है, जेल में कैदी ज्यादा हो गए हैं, हमारे पास डिस्पोज करने का कोई व्यवस्था नहीं है, सरकार इस पर विचार करके जेल के मैनुअल एक्ट में कोई बदलाव करे ताकि लोगों को लगे सरकार वास्तव में डेमोक्रेसी के अंदर जो एक ह्यूमन राइट्स की जो बात बार जो इंटरनेशनल लेवल के लोग करते हैं, आए दिन कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन करती है, सरकार को गंभीरता से विचार करके इस पे मैं जेल के मैनुअल एक्ट में भी सुधार करे। और इसके साथ साथ मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ हमारे होम मिनिस्ट्री के लोग भी बैठे हुए, जो आपने इंटरेस्ट जो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर की जो पॉलिसी है खास करके कांस्टेबल लेवल तक की, उसको आपको जरूर बदलाव करें। एक गंगानगर के आदमी को आपने बांसवाड़ा उठा के लगा दिया, आधे अधूरे मन से वो काम करता है, आए दिन हमारे आगे पीछे घूमता है, आपके आगे पीछे घूमता है, कम से कम इंटर जो जो एक छोटे अधिकारी को जो एक कांस्टेबल लेवल का अधिकारी है उसको इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर नहीं करे ताकि वो काम कर रहे ढंग से काम करे और पूरी ईमानदारी के साथ करे। और सभापति महोदय मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि पुलिस का जो ढांचा है आपको समय के हिसाब से बदलाव करना पड़ेगा, अगर समय के हिसाब से नहीं बदलाव किया तो पुलिस का तंत्र फेल हो जाएगा। मैं बार बार इस बात से निवेदन करना चाह रहा हूं, मैंने पिछली बार भी हाउस में बात कही थी कि हमारा जो पुलिस का ढांचा है यह सरकार का मुखौटा है, अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक है तो लोगों में ठीक मैसेज आता है सरकार ठीक काम कर रही है, हम इतने प्रयत्न के बावजूद भी इतनी अच्छी योजनाओं के बावजूद भी धरातल पर नहीं उतार सकती है। और सबसे बड़ी अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है एक नया कानून बनता है उस कानून को लागू करने के लिए जो एजुकेशन एजेंसी जो है वो एजेंसी सबसे कमजोर साबित हो रही है, उस एजेंसी को किस तरीके से हम ताकत दे सकते हैं सरकार इस पर विचार करे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहूंगा, इतना बेहतरीन बजट के बावजूद पुलिस प्रशासन पे होम मिनिस्ट्री पे सरकार ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। और राजस्थान में जिस तरीके से कंपलसरी FIR का जो हमने प्रावधान स्टार्ट किया है, पहले 156(3) के माध्यम से FIR होती है वो उसमें कमी आई है, ये FIR की तादाद तो ज्यादा लग रही है लेकिन एक आम आदमी में इस बात का मैसेज गया है कि हमारी सुनाई हो रही है, आधी बात तो सुनने में खत्म हो जाती है, अधिकारी ठीक से बात सुन ले उसको सेटिस्फाइड कर दे तो आधा आदमी संतुष्ट होकर अपने घर चला जाता है। तो सरकार को चाहिए जो कंपलसरी FIR का जो हमने जो फैसला किया सरकार ने उसको थोड़ा सा और उसको आगे बढ़ाए, वो डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ वो एक वो मैंडेटरी प्रोविजन करे, एक SHO लेवल तक के अधिकारी को मजबूर करे कि वो SP के पास जाना ही नहीं पड़े, SP के पास कौन जाता है, अगर SHO नहीं सुनता तो SP के पास जाता है, SP नहीं सुनता तो IG के पास जाता है, IG नहीं सुनता तो DG के यहाँ जाता है और 4 दिन जयपुर के धक्के खा के वापस चला जाता है, उसको न्याय नहीं मिलता, एक फाइल 6-6, 8-8 महीने बार बार तफ्तीश के माध्यम से घूमती रहती है और उसको जस्टिफिकेशन नहीं मिलता। मेरे सभापति महोदय आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा इस ढांचे को थोड़ा ठीक करे और मैंडेटरी करे और कंप्यूटर के माध्यम से FIR पूरे सिस्टम डेवलप करे ताकि किसी को जाना ही नहीं पड़े, घर बैठे FIR दर्ज कर सकते हैं, हमने कानून तो बना दिया लेकिन धरातल पे नहीं उतर पाया अभी, उस पे थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप एक SHO लेवल का अधिकारी एक घर बैठा भी आदमी कंप्यूटर के माध्यम से आदमी IT के माध्यम से FIR रजिस्टर कर सकता है, जाके पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे और उसको न्याय दिलाने का प्रयास करे। मुझे लगता है सरकार ने जो पुलिस डिपार्टमेंट के माध्यम से जनता को जो राहत
लेने का प्रयास किया, निश्चित तौर पे एक मील का पत्थर साबित हो गया। और सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, अकाउंटेबिलिटी कमेटी हमने गठित तो कर दी, हमने स्टेट लेवल पे भी हमने गठन किया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गठन कर दिया, लेकिन वो पिक्चर में कहीं नहीं है, उसके आज तक बैठक ही नहीं हो पाई। मैं आपसे के माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं, जब कमेटी का गठन कर दिया गया अकाउंटेबिलिटी कमेटी का, तो उसके कम से कम बैठक तो हो, उसमें कम से कम लोगों को पता तो लगे, इसलिए तो इसमें थोड़ा ध्यान दे। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि सर आप इस पे गौर करें, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है धैर्यलाल, सभापति महोदय आपने मांग 18-19 पर गृह और कारागार पर बोलने का मौका